आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में हुए बबलू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जिसमें मृतक के दोस्त ने ही तमंचे से गोली मारकर करी थी हत्या। वहीं अब पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहारनपुर जिला प्रशासन दिन रात लोगों को कई माध्यमों से कर रहा है जागरूक, साथ ही लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। सहारनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से परिषदीय स्कूल के छात्रों के परिजनों के खाते में 17 करोड़ रुपए की धनराशि हुई ट्रांसफर। विकास भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कंवर ब्रजेश सिंह ने करी शिरकत। गोरखपुर जनपद के शिलुआताल थाना क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग फोन करके उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और पैसे न देने पर उसकी बेटी को किडनैप करने की दी है धमकी। बिजनौर में साइबर सेल ने नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के साथ मिलकर अंतर जनपदीय ठग गिरोह का किया खुलासा, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 1 लाख रुपए सहित 10 ATM, 45 सिम कार्ड भी किए बरामद। शाहपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोग शराब दुकानदार को बिना पैसे दिए बियर मांगने लगे। दुकानदार के मना करने पर गुस्से में आकर लोगों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी।